दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये प्रमोटर की सैलरी है, जिसमें यहाँ पर पूरी डिटेल में आप देख सकते हैं कि पिछले महीने जून के महीने में प्रमोटर की कितनी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुई है। यहाँ पे लाइव प्रूफ आपके सामने एक स्क्रीनशॉट के तौर पर आपको दिखाया जा रहा है कि प्रमोटर कितनी कमाई एक महीने के अंदर करता है अपनी प्रमोटर जॉब से। तो यहाँ पर मैंने इनकम के प्रूफ के तौर पर आपको दिखा दिया, क्योंकि मैंने ये अपने दोस्त का स्क्रीनशॉट मंगाया है जो पिछले महीने ही एयरटेल में प्रमोटर वो वर्क करता है और पिछले महीने उसकी सैलरी आई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4750 रुपये यहाँ पर हैं, 12,958 रुपये यहाँ पर हैं और 11,000 यहाँ पर हैं। तो ये एक एयरटेल प्रमोटर की इनकम है जो एक महीने में उसने अर्न की है। उसका स्क्रीनशॉट मैंने मंगाया है आपको लाइव प्रूफ दिखाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि 20,000 रुपये से ज़्यादा एयरटेल प्रमोटर एक महीने में कमा सकता है। लेकिन एयरटेल प्रमोटर किस तरीके से बना जाता है, एयरटेल प्रमोटर के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, एयरटेल प्रमोटर बनने के लिए आपको कहां पर विजिट करना होता है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अभी कभी एक लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी 100 रुपये का कैशबैक कमाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा जिसका नाम है ग्रो ऐप। जैसे ही इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपके अकाउंट में 100 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे और 24 घंटे के बाद आप उस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें इनवाइट होना है, रेफर करने में भी आपको बहुत अच्छा कैशबैक दिया जा रहा है। आप एक इनवाइट अगर किसी फ्रेंड को करेंगे तो आपको भी 100 रुपये मिलेंगे और आपके फ्रेंड को भी 100 रुपये मिलेंगे जिसे आपने इनवाइट किया है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ग्रो ऐप क्या है, इसकी केवाईसी कैसे करेंगे, इसका लिंक इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जाकर देख लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एयरटेल प्रमोटर कौन होता है और इसका क्या काम होता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि सड़कों पर एयरटेल के छाते लगे हुए होते हैं, कैनोपी लगे हुए होते हैं और वहाँ पर कुछ एयरटेल के लड़के होते हैं कंपनी की तरफ से, वो कस्टमरों का फ्री में सिम बेच रहे होते हैं या स्कीम चला रहे होते हैं, पोर्ट करने पर फ्री कर रहे होते हैं या गिफ्ट वगैरह दे रहे होते हैं सिम लेने पर। तो वही एयरटेल के प्रमोटर कहलाते हैं जो एयरटेल कंपनी के लिए काम करते हैं, सिम एक्टिवेशन करते हैं, MNP करते हैं। वो कंपनियों की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि उनका डिस्ट्रीब्यूटर से कोई लेना देना नहीं होता। वो डायरेक्ट TSM के माध्यम से कंपनी में ज्वाइन होते हैं। TSM चुटकियों में बना देता है एयरटेल प्रमोटर, यानी कि अगर एयरटेल प्रमोटर आपको बनना है तो कोई आपको बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, बहुत आसानी से एयरटेल प्रमोटर बना जा सकता है। अगर आप बनने के इच्छुक हैं तो मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूं कि हर एरिया में TSM होते हैं, एयरटेल के TSM होते हैं, आपको वहां पर जाना होता है। बस उनसे सिर्फ आपको इतना कहना है कि एयरटेल प्रमोटर मुझे बनना है। वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको आपके डॉक्यूमेंट लेंगे, आपका आधार कार्ड लेंगे, आपका फ़ोटो लेंगे और आपको एयरटेल प्रमोटर एज ए रजिस्टर करा देंगे, जिसके बाद आप MNP कर सकते हैं, कस्टमरों की सिम एक्टिवेट कर सकते हैं और जगह जगह गांव ग्राम में, आसपास के गांव में जाकर आपको एयरटेल का प्रचार करना है, एयरटेल की सिम कंपनी का प्रचार करना होता है। तो बहुत आसान होता है, बिल्कुल भी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ती आपको, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना जैसे रिटेलर को करना पड़ता है, इस तरीके की कोई भी बहुत आसान तरीका होता है एयरटेल प्रमोटर बनने के लिए। सिर्फ आपको TSM के पास जाना है, वहाँ पर आपको कहना है एयरटेल प्रमोटर मुझे बनना है। अगर आपको TSM से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका पोस्ट पड़ा है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा स्मार्ट नसीम, और उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एयरटेल प्रमोटर का मैंने आपको काम बता दिया है, प्रूफ के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया है कि एयरटेल प्रमोटर 20,000 रुपये तक कमा सकता है। अब इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आखिर क्या नुकसान होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि एयरटेल प्रमोटर को एक टारगेट दिया जाता है उसके काम के तौर पर। जैसे मिसाल के तौर पर उसे कह देंगे कि आपको एक महीने के अंदर 100 MNP करनी है, यानी कि 100 नंबरों को पोर्ट करना है एयरटेल के अंदर दूसरी कंपनी से, या आपको टारगेट दे देंगे कि आपको 110 सिम एक्टिवेट करने हैं नए कस्टमर के, तो आपको वो सिम एक्टिवेट करने होते हैं और MNP करनी होती है। इसमें नुकसान क्या होता है कि अगर आप वो 100 टारगेट पूरे नहीं कर पाते तो इसमें आपका नुकसान होता है, यानी कि आपको MNP के तौर पे पैसे भी दिए जाते हैं, किसी को 50 रुपये पर MNP दी जाती है, किसी कस्टमर को 100 रुपये MNP दी जाती है, किसी को सिम से बेचने पर 50 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। सिम बिल्कुल फ्री मिलते हैं कंपनी की तरफ से, लेकिन उसे आपको बेचना होता है। बस यही एयरटेल प्रमोटर का काम होता है। अगर वो एक महीने में 100 लोगों को सिम बेच देता है तो टारगेट पूरा हो जाता है, उसे सैलरी मिलती है, सैलरी के तौर पर उसे एक्स्ट्रा बोनस भी दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपका वो टारगेट नहीं पूरा होता है तब आपका नुकसान होता है, क्योंकि आपने जो MNP के अंदर पैसा लगाया होता है वो सबका सब डूब जाता है और साथ ही साथ आपकी सैलरी भी नहीं आती है आखिरी मंथ में। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, वो आपका कुछ भी नहीं आएगा, 0 रुपये भी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगे। बस यही आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर आप टारगेट पूरा करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, सैलरी मिलती है, सारी चीज़ें मिलती है, और अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होता तो आपको 1 भी रुपया कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है। और जो आपने अपनी जेब से लगाया, जो आपने टाइम खर्च किया, जो आपने सिरदर्दी सिरमोली, वो आपकी वेस्ट चली जाती है, बिल्कुल वेस्ट चली जाती है।
बस यही एयरटेल प्रमोटर में आपका नुकसान होता है, बाकी फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अगर आप अच्छे स्किल्स के मालिक हैं, यानी कि अच्छी बोलचाल है मार्केट में, मार्केटिंग आपकी अच्छी है, आप किसी चीज़ को सेल कर सकते हैं मार्केट में, तो आप एयरटेल प्रमोटर ज़रूर बनिए, आपको इससे फ़ायदा ही होगा। और अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, आप मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं जानते, तो मेरा मशवरा यही रहेगा कि आप एयरटेल प्रमोटर मत बनिएगा, क्योंकि इसमें आपको नुकसान ही होगा। तो इसी तरीके की अगर आपको और भी अर्निंग टिप्स चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे आप पैसा कमा सकें, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन होइएगा। साथ ही साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में घंटे का बटन होता है उसे भी ज़रूर दबा के रखिएगा, क्योंकि जैसे ही अर्निंग अपॉर्चुनिटी यानी कि पैसे कमाने की तरीके आते हैं, मैं वो इसी चैनल पर आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको बताता रहता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।